सारे मंत्री हैं जो ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, जो कहते हैं कि देशभक्ति हर दिन देशभक्ति साबित करो, चले जाओ वहां चले जाओ। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं कि तुमने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गोरी ने राज्यसभा में सबका साथ सबका विकास की सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि जब सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है तो उसने आंखें मुन ली है। इमरान प्रताप गोरी ने कहा कि मुस्लिम भी उतने ही देशभक्त है जितने की कोई और, लेकिन हर रोज अपनी देशभक्ति का सबूत देने के लिए नहीं कहा जा सकता। उन्होंने अपने भाषण के दौरान एक उर्दू दोहे और एक संस्कृत श्लोक का पाठ किया। कौन सा सबका साथ सबका विकास है, काहे का सबका साथ सबका विकास, ये नारा ये दावा खोखला है। मैंने प्रधानमंत्री जी के भाषण सुने हैं, जब तीन तलाक पर बिल आ रहा था उपसभापति महोदय, तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं अपने मुस्लिम बहनों को हक दिलाना चाहता हूं, उनके न्याय के लिए लड़ रहा हूं, ये बिल मैं उनके लिए ला रहा हूं। आपने भी सुना होगा वो नारा। मैं तो उपसभापति महोदय बचपन से जिस विद्यालय का पढ़ा हूं वहां संस्कृत का एक श्लोक सुना करता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मैं इसे सुना करता था उपसभापति महोदय। और फिर आज जब यहाँ सदन में खड़ा हूँ तो मैं पिछले दिनों लाल किले से प्रधानमंत्री जी की, लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, उनकी वो तकरीर भी सुन रहा था, जब वो कह रहे थे कि महिलाओं को बिना हक दिलाए देश आगे नहीं बढ़ सकता, जब वो लाल किले की प्राचीर से ये बात बोल रहे थे, तो उस भाषण के महज ढाई तीन घंटे बाद उनके गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के आरोपी रिहा किए जा रहे थे, उसी दिन उन्हें माला पहनाया जा रहा था, उनका सम्मान किया जा रहा था। ये कौन सा सबका साथ सबका विकास है? उपसभापति महोदय, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू ले, जो फिल्मी स्टार जो उनसे पूछे कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, उसके लिए तो रेड कार्पेट बिछा है। जो अभिनेत्रियां उनकी विचारधारा के समर्थन में बात करें, समर्थन से ज्यादा आगे बढ़ के बात करें, उनके लिए जेड सिक्योरिटी है। लेकिन वो शाहरुख खान जो पूरी दुनिया में भारत के तिरंगे का मान बढ़ाता है, जिसे फीफा वर्ल्ड कप में आमंत्रित किया जाता है, उसके लिए सोशल मीडिया पे किस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं? कौन सा सबका साथ सबका विकास है महोदय? संसद में दिए गए भाषण से आप कितने सहमत हैं, हमें कमेंट्स में जरूर दें। गोदी पत्रकारिता की इस दौर में निष्पक्ष पत्रकारिता करना किसी जोखिम से भरा नहीं है। आपका सहयोग ही हमें हिम्मत और ताकत देता है। आपके लाइक सब्सक्राइब की हमें जरूरत है।